गुड मॉर्निंग सबको। आज मैं निकल रही हूँ शिलोंग के लिए, जो कि है एक खूबसूरत सा शहर जिसको माना जाता है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। सुबह का 6 बजे मम्मी ने उठ के एकदम मेरे लिए नाश्ता बनाया, बहुत ही प्यार से। यही होता है माँ, तो अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कॉमेंट तो जरूर करके जाओ। आई है मेरे घर पे और यहाँ पे अभी कर रही है ब्रेकफास्ट, बिकॉज बेचारी सुबह कुछ नहीं खा के डायरी निकल गया बिकॉज बहुत लेट हो रहा था। तो मेरी मम्मी जो यहाँ पे बैठी हुई है और बातें कर रही है एलिस से, मम्मी ने एकदम जल्दी जल्दी सब कुछ बना के एलिस के लिए थोड़ा खाना बना के एलिस को अभी खिला दिया। एलिस का पेट ठंडा हो गया अभी और अभी हम लोग निकलेंगे, गाड़ी आ रहा है तो आप लोग बन रहे हो। गाइस हम लोग अभी रास्ते में पहुंच चुके हैं और हमारा गाड़ी का वेट कर रहे हैं, कब आएगा गाड़ी। इतना धूप दे रहा है ना, इतना धूप के वजह से हम लोग यहाँ पे छाए में आके रुक रहे हैं और यहाँ पे इतना सुंदर हवा दे रहे हैं, मजा आ गया। एलिस आर यू एक्साइटेड? या व्हाट एक्साइटेड, टू मच एक्साइटेड टू गो टू मेघालय। दीदी आप कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ आप भी शिलोंग चलो। शिलोंग चलो, आप बैग तो है ही आपके साथ, हमारे साथ आप भी शिलोंग चलो, एकदम मजे करके आएंगे। हम लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट बताना, कमेंट में जरूर बताओ कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। ये टोपी भी एलिस का ही है, इसने भी शाल से लिया था ना, और ये नागालैंड से ली थी। कितनी प्यारी लग रही है और मैं भी क्यूट लग रही हूँ और मैंने मेकअप नहीं किया यार, विदाउट मेकअप भी बहुत सुंदर लग रही है, और भी सुंदर होना है अभी। हमारा शक्ल देख के क्या लगता है, क्या जात के लगता है? ये पहला नंबर तो भैया करके नागा है। नागा लगता नहीं है। खोल दे तो अब वो खोल, बंगाली से लगता है। बंगाली 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 तो नहीं लग रहे। हां नहीं नहीं नहीं, आपका हाथ में टैटू है, दिखाइए क्या लगाया टैटू, क्या 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 लगाया? गुदना, ये टैटू क्यों लगाते हैं? जब बिहारी लोग शादी करते हैं ना, तो लड़कियों के हाथ में कहीं भी एक टैटू का निशान हो जाता है, मतलब खुशी से पता चलता है कि वो शादी शुदा है कि नहीं। ये कारण ओ नाइस, आदमी भी बनाते हैं क्या? सफा मुझे तो बिहारी है। हाँ मैं बिहारी नहीं हूँ। मर लो, तुमको बना दिया बिहारी, मारवाड़ी। मर्द लोग नहीं बनाते टैटू शादी के बाद? बनाते हैं। हाँ मैंने देखा कुछ कुछ लोग बनाते हैं ऐसे। अच्छा है, अच्छा है। कोई स्टाइल के लिए बनाते हैं, कोई नियम के लिए बनाते हैं, ट्रेडिशन होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। अभी अभी गर्मी में देखो हम लोग रुकते रुकते यहाँ पे, अभी हम काजू शेक, काजू शेक अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जोराबाद में और हम लोग अभी बस अपना लंच वंच किए हैं और हम लोग अभी जाएंगे मेघालय की तरफ। मेरे पीछे देख रहे हो एक सुंदर सा मंदिर, ये है हनुमान मंदिर या फिर गणेश मंदिर या शिव मंदिर, आई एम नॉट श्योर। आपको अगर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये कौन सा मंदिर दिख रहा है आपको, वो व्हाइट कलर का, जो व्हाइट कलर का मंदिर आपको दिख रहा है। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, इसका उधर वाला पार्ट है असम और ये वाला पार्ट है मेघालय, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जान के। ट्रैवलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, आप जितना घूमोगे उतना ही आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड अभी धूप की वजह से मेरा स्किन जल रहा है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, जिसका नाम है श्री श्री कालेश्वरी मंदिर, और मैं जूता पहनी हुई हूँ तो मैं अंदर नहीं जाने वाली, मंदिर अभी बंद है तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाई हूँ। बट दिस इज़ अ वेरी प्रिटी मंदिर, अगर आप लोग अभी दर्शन करने का मौका मिले तो ज़रूर दर्शन कीजिए और आपका मनोकामना भी पूरा हो सकता है इस मंदिर से, ऐसा मैंने सुना है। बहुत ही जागृत मंदिर है, तो अगर आप लोग ये रास्ता को क्रॉस कर रहे हो तो ज़रूर इस मंदिर में एक बार दर्शन ज़रूर करके जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पुण्य मिलेगा गाइस। फाइनली अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, शिलोंग पहुंचा नहीं है अभी, देख सकते हो कितना अच्छा रास्ते पे है भाई, क्या ही बोलूं। और वैसे पहले आई थी ना मैं, तो ये जो रास्ता देख के ऐसा लग रहा है कि पहले भी आ चुकी हूँ, वैसे पहले आई भी हुई थी। और ये सब पहाड़ देखो क्या मस्त है यार। हमारा फोटो हमारा भेजा शिलोंग मेघालय में, जस्ट हम लोग घुसे हैं बहुत ही सुंदर एक खूबसूरत से जगह में, जिसको बोलते हैं उमियम लेक ऑफ शिलोंग, जो कि शिलोंग में प्रेजेंट है। और उमियम लेक की खासियत ये है कि वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि कायाकिंग, वाटर साइकिलिंग, मोटर बोटिंग एंड ऑल दैट, ये सब बहुत कुछ होता है यहाँ पे। कुमने 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 मतलब
कुमरे मतलब हाउ आर यू? कुमरे मतलब ठीक. आई एम फाइन. अच्छा कुमरे मतलब आई एम फाइन. कुमनी लॉन्ग. कुमनी लॉन्ग. मैं भी कुमनी लॉन्ग. मैं भी कुमनी लॉन्ग. कितना में बेच रहे हो आप? ये 20. 20 में. आपको हिंदी आती है ना? बहुत बढ़िया. चुम्मा. फाइनली गाइज, इतना मेहनत के बाद गूगल मैप से लेके इंसान लोकल पीपल से लेके हम लोगों ने इतना मेहनत से ढूंढा यहाँ नेग्रीम्स हॉस्पिटल और फाइनल हम लोग पहुंच चुके हैं. हम जिस जगह पे आज ठहरने वाले हैं वो उस जगह के हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं. इतनी होता है गाइज, अभी नेग्रीम्स हॉस्पिटल भी इतना बाहर से सुंदर दिख रहा है ना, तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं. फाइनली हम लोग शिलोंग से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आ चुके हैं और हम लोग जिस लोकेशन पे आज रुकने वाले हैं वो हम ढूंढ लिए हैं. पहले हम रुकने वाले थे ऑर्किड लेक रिजॉर्ट में. दो ऑर्किड लेक रिजॉर्ट्स है शिलोंग में, एक तो उमियम है और एक बोरापानी साइड में है. उसका लोकेशन ढूंढने में जो हालत खराब हुआ ना, पूरा शिलोंग टाउन हम लोगों ने घूम लिया, लोकेशन ढूंढ के नहीं मिला. पर फाइनली हम लोग और एक और गेस्ट हाउस हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज यहीं पे रुकने वाले हैं, बिकॉज हालत बहुत खराब हो चुका है. इतना सा ही ट्रैवलिंग में हमारा हालत खराब हो चुका है, सो दैट्स वाई हम लोग डिसाइड किया कि आज यहाँ पे रुकने वाले हैं. बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है. और मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं एक राइडर बनूँ. अंदर जो जुनूनियत है वो राइडर बनने का आज ट्रैवलिंग में पता चल गया. मेरा पेट वेट एकदम फूल गया, अजीब सा लग रहा है मेरे को. बस अभी वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है. यही है वो सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा सा, इतना सुंदर माहौल है ना यहाँ पे. आप देखो गाइस, ये इवनिंग का टाइम पे और हम लोग पहुँच चुके हैं. इस रिजॉर्ट का नाम है मिरेकल स्प्रिंग गेस्ट हाउस. तो काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा भी, इतना सुंदर है. यहाँ से बाहर दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा देख के, बहुत ही अच्छा लगा. मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे शाम को आ गई हूँ और आप रास्ते से रास्ता भी देख सकते हो. इतना खूबसूरत है यू गाइस, अगर आप यहाँ पे आके. हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो मेरे पीछे है. बहुत काफ़ी अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा बाहर में, वो बाद में आपको बताएंगे कि कहाँ निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. फिलहाल तो मैं फ्रेश होकर रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, प्रिटी लग रही हूँ. सुंदर सुंदर कमेंट्स करो कमेंट सेक्शन में. और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना रूम, जिस रूम में मैं और मेरी फ्रेंड ठहर रहे हैं अभी इस टाइम पे. दिस इज द रूम, रूम नंबर 303. तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं. लेटी पड़ी हुई है, इतना सुंदर लग रही है देखो, इतनी सुंदर प्यारी सी, वो भी फ्रेश होके, अभी फ्रेश होके रेडी हो चुकी है. और ये हूँ मैं फ्लैश जला के, और ये है हमारा प्यारा सा छोटू सा रूम जिसमें ये देखो आप एक मिरर है, सारा खाने का कुछ कुछ सामान दिया है. ये देखो शुगर, एवरीडे मिल्क पाउडर, किसी को कॉफी खाना है तो आप लोग खा सकते हो, पी सकते हो. और इतना सुंदर सा पर्दा जिसमें से यहाँ पे व्यू दिखता है, बाहर का व्यू, यही व्यू जो आपको अभी नहीं दिख रहा है. दिस इज द प्यारा सा व्यू. और ये है वॉशरूम जो कि है ये देखो, जहाँ पे लोग फ्रेश हुए हैं. ये हूँ मैं गाइस, और ये है चावल जो हम लोगों ने यूज़ किया. और ये प्यारा सा हमारा छोटा सा बाथरूम, यहाँ पे गीजर भी है. यहाँ पे है एक बेलकोनी, आप देख सकते हैं छोटा सा बेलकोनी है जहाँ से व्यू कुछ नहीं दिख रहा है. वहाँ से जाता है रास्ता, पूरा सुंदर सा रास्ता, यहाँ से पूरा गाड़ी वगैरह आना जाना हो रहा है वो देखो. और ये साइड में है एकदम सुंदर सा पाइन ट्री बोलते हैं शायद इसको, पाइन ट्री का फॉरेस्ट एरिया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड इफ यू लाइक देन प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. और हाँ, कॉमेंट जरूर करके जाना ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूँ और आपके लिए और भी ताज़ा ताज़ा और भी इंटरेस्टिंग सा व्लॉग्स हमेशा लेके आ सकूँ. तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल. मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.